आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। अमेठी पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संतोष कुमार ने कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पीए कनिष्का के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए अमेठी के अंबेडकर तिराहे पर बैनर लगाकर जूता पॉलिश का विरोध प्रदर्शन किया। आईटीआई पास संतोष कुमार ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि मेरे बढ़ते कद को देखकर इन दोनों नेताओं को अपने कद को छोटा होने का डर लगने लगा, जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ अन्याय करते हुए राहुल गांधी से मिलने पर पहले रोक लगाई, फिर पीएल पुनिया ने मेरी कंपनी से मुझे टर्मिनेशन का लेटर इसलिए दिलवाया कि उन्हें डर था कि कहीं मैं बड़ा दलित नेता न बन जाऊं। मेरे साथ इन दोनों नेताओं ने राजनीतिक षड्यंत्र कर मेरे कैरियर को बर्बाद करने का काम किया है, इसलिए मैं राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जूता पॉलिश कर रहा हूँ। संतोष कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट मेंसर का रहने वाला हूँ। आईआईटी दिल्ली से बीटेक हूँ, आईएसटी से सारे प्रूफ मेरे पास है। मेरी कंपनी में जॉब करता था, वहाँ पर जातिगत आधारित भेदभाव के चलते मैं शिकायत करने के लिए बहन जी के पास गया था 2008 में, तब वो मुख्यमंत्री थी। मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी उनसे, उसके बाद में मैं राहुल जी से मिलने गया था 2008 में ही। उन्होंने मेरी बात को बड़ी आत्मीयता के साथ सुना और कहा कि आपकी जो सब प्रॉब्लम है सामाजिक है, व्यक्तिगत नहीं है, इसमें तो हम कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप तो राजनीति करने में इंटरेस्टेड हो तो हम आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं। तो मैंने एक साल के बाद में उनके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और उन्होंने मुझे जो काम दिया था मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी लगन के साथ किया। उससे खुश होकर के एक दिन 21 मार्च 2012 को उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और 10 जनपद 21-1200 तक अपने कानून से लिए गए। उस दिन मुझे लगा कि मेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही है और अब मैं पार्टी के साथ आगे तक जा सकता हूँ, लेकिन सर उस दिन मेरे लिए सबसे दिन साबित हुआ, क्योंकि उस दिन से पहले तो जो उनके पीए हैं कनिष्का जी वो मेरे काम को देख रहे थे, मैं मिस कॉल मारता था वो बात करते थे। आज 6-7 साल हो गए मैं उनको मिस कॉल मारता रहा, मैसेज करता रहा, फ़ोन करता रहा, लेकिन आज तक उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और इसलिए उन्होंने उन्हीं के द्वारा मैं राहुल जी से मिल सकता था, उन्होंने मुझे राहुल जी से नहीं मिल सकता। शायद उनको लगा होगा कि पढ़ा लिखा भी है, ज़मीन पर काम करने वाला व्यक्ति है, कहीं ये मुझसे ज़्यादा राहुल जी के करीब ना पहुँच जाए, ये सोच करके हो सकता है उन्होंने मेरा मिलवाना बंद कर दिया। और एक दूसरे कांग्रेसी दलित नेता हैं पीएल पुनिया जी, जिनके ससुराल मेरे गांव में है, मेरे मोहल्ले में है, तो जब कभी भी भाषण वगैरह हुआ करते थे तो मेरे स्पीच से लोग काफ़ी मतलब इंप्रेस हुआ करते थे, तालियां ज़्यादा बजती थी, अप्रिशिएट करते थे। तो उनको कहीं लगा कि ये गाड़ी में भी बैठ गया है, इसकी इतनी उम्र भी नहीं है, ज़्यादा अनुभव भी नहीं है और ये हो सकता है मुझसे ज़्यादा बड़ा दलित नेता बन जाए, तो उन्होंने सर कंपनी से मिल करके मेरे को टर्मिनेट करा दिया, जबकि मैंने कंपनी में रिजाइन दे रखा था। अगर कंपनी को ही मुझे निकालना होता तो मेरे को रिजाइन ले सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि रिजाइन से तो उसको 1000 जगह नौकरी मिल जाएंगी, इसका ऐसा काम करो कि नौकरी देने वाला भी ये सोचे कि सारी कमी इसी जगह है, तो उन्होंने मुझे टर्मिनेट करा दिया।
तमाम प्रयास किया, हर संभव कोशिश की उन लोगों से मिलने की कि मेरी कुछ बात सुने, मेरी समस्या को सुने, लेकिन कहीं नहीं सुनी गई है। तो इसीलिए मैं गांधीवादी तरीके से अपनी बात आप लोगों के माध्यम से मैं राहुल जी तक, प्रियंका जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मैं रोड पर आ गया हूं। इसीलिए मेरा मकसद यहाँ पर अमेठी आने का रहा है। मैंने तमाम प्रयास किया, हर संभव कोशिश की उन लोगों से मिलने की कि मेरी कुछ बात सुने, मेरी समस्या को सुने, लेकिन कहीं नहीं सुनी गई है। तो इसीलिए मैं गांधीवादी तरीके से अपनी बात आप लोगों के माध्यम से मैं राहुल जी तक, प्रियंका जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मैं रोड पर आ गया हूं। इसीलिए मेरा मकसद यहाँ पर अमेठी आने का रहा है।